वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ कैंट के दायमपुर गांव के लोगों ने आज विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने दावा किया कि गांव से एक भी वोट नहीं डाली गई है। उनका आरोप है कि पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के नाम पर उनके गांव के बाहर मुख्य मार्ग के कट को बंद कर दिया गया था, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य वहां हो रहा है वह भी बेहद कछुआ गति से चल रहा है, जिस कारण सभी परेशान हैं। तमाम शिकायतें की गई लेकिन कहीं सुनवाई न होने पर आज चुनाव बहिष्कार कर दिया गया। चुनाव बहिष्कार की सूचना पाकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द ही समस्या का समाधान कराने का आश्वासन देते हुए चुनाव में भाग लेने की अपील की। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने फर्स्ट बाइट संवाददाता को यह जानकारी दी। रास्ता नहीं तो वोट नहीं, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। रामपुर एकता जिंदाबाद, रामपुर एकता जिंदाबाद। कट नहीं तो वोट नहीं, कट नहीं तो। ये हमने सबको, राजेंद्र अग्रवाल जी को, सांसद जी को, ये सब प्रस्ताव हमारे गए हुए हैं। ये हिंदुस्तान में सभी अखबार की कटिंग बनी हुई है, ये अखबार में ये सब कटिंग, ये हमारे ग्रामीणों के समर्थन में। ये हमने गडकरी साहब को सबको सूचना दे दी है लिखित में। बाहर करके पल्ली तरफ जाना पड़ा है, अब भी कूद के भग रहे हैं। अब स्कूल खुल जाएंगे, अब देखें मौत कितनी होगी। जब जाके बीच में तो खड़े हो जाएंगे। गन्ने डालने जाओ, 3 किलोमीटर गन्ने डालने जाओ। हम लखवाई सेंटर है, जैनपुर सेंटर है, डाब का सेंटर है। तक डेढ़ बज चुका है, अभी तक कोई भी एक भी मतदान नहीं हुआ हमारे से। 45 बोल रहे हैं, 45 ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये फर्जी है जी। 45 के लिए बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, फर्जी बोल रहे हैं, फर्जी वाड़ा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी दिवाकर सिंह ने यह कहा। दायमपुर गांव के लोगों को आने जाने का आबादी का रास्ता खराब था, वह बन रहा है जो है, इस पे मिट्टी वगैरह पड़ी है, बालू पड़ रहा है, ये जल्दी ही बन जाएगा। और दूसरा इनका है हाईवे पे कट का, इन लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, हम लोगों ने एनएचआई संपर्क किया, बताया जा रहा है कि एनएचआई वालों ने उसको पास किया है, जल्दी वहाँ काम प्रारंभ कर देंगे। और अभी तक जो है इसमें तीनों बूथों में 59 लोगों ने मतदान किया है। हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी मतदान करें, आपका ये रोड भी ठीक हो जाएगा और वो हाईवे कट का भी निर्माण होगा। इस दौरान मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी दिवाकर सिंह ने यह कहा।